फ्रेंड्स ये है सटायर। सटायर से भी पहले आप इसको लर्न करने के लिए देखो तो ये लिखा है शातिर। जो दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं शातिर, एक होते हैं बहुत शांत। जो शांत है उनको मतलब नहीं होता, जो भी आपको बात होता है वो मुंह पे बोल देते हैं। लेकिन जो शातिर होते हैं वो क्या करते हैं, ताना देते हैं, व्यंग करते हैं कि आपको इनडायरेक्टली कुछ ऐसे बातें बोलते हैं जो आपको समझ नहीं आता कि उसने क्या बोल दिया मुझे, और वो एक तरह से आपका मजाक उड़ा रहा होता है। तो जो शातिर व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं आप पे, व्यंग। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि शातिर का अर्थ क्या होता है, शटायर का मतलब क्या होता है, व्यंग, और शातिर व्यक्ति जो होते हैं वो व्यंग करते हैं। और इसी तरह आप इसका सिनोनिम्स याद कर सकते हो। सिनोनिम जैसे रेडिकुलस, रेडिकुलस का मतलब क्या होता है, हास्यपद, कि किसी व्यक्ति पे व्यंग करना, व्यंग करके और आप उसको बहुत जोरों से हंसोगे तो आप रेडिकुलस याद कर सकते हो। और मोकिंग, कि कोई व्यक्ति जा रहा है आपके सामने से उसको आप मोक कर रहे हो, तो मोक करना भी क्या हो गया, व्यंग हो गया, शटायर का सिनोनिम हो गया, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह एंटोनिम्स देखते हैं, ऑपोजिट वर्ड की लॉडेबल, आप ये कैसे याद कर सकते हो कि देखो लाड, लाड याद कर सकते हो आप, लाड करना किसी को, हम किसी को लाड प्यार करते हैं तो लॉडेबल। व्यंग कर, किसी को हम व्यंग कर रहे हैं, और व्यंग किस पर करेंगे, जिसको हम पसंद नहीं कर रहे, तो इसका ऑपोजिट हम किसको प्यार करेंगे, जिसको हम बहुत चाहते हैं। तो व्यंग का ऑपोजिट आप लाड प्यार बोल सकते हो, तो लाउडेबल का अर्थ लाड प्यार हो गया। इसी तरह ऑनरेबल, किसी को भी प्रतिष्ठित करना, ऑनरेबल का अर्थ क्या होता है ये तो आपको पता होगा कि प्रतिष्ठित। तो सटायर का ऑपोजिट आप लिख सकते हो ऑनरेबल। ऑनरेबल वो वही हमारे लिए होगा जिसको हम बहुत ज़्यादा लाड प्यार करेंगे, उसी को तो सम्मान कर देंगे। तो नेक्स्ट है हमारा अप्रिशिएटेबल, कि सम्मान देना, सम्मानित करना। आप जिससे लाड प्यार करते हो उसको आप सम्मान भी दोगे, तो अप्रिशिएटेबल, ये तो वर्ड आपको याद ही होगा। तो ये हमारा हो गया एंटोनिम। तो आई होप आपको ये पसंद आया वो वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।